शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों नाराज हो? अच्छा, किससे नाराज हो? बेटा है वो तुम्हारा, पर तुमको तो खुश होना चाहिए। आज वो घर में बहू लेकर आया है। देखो आशा, बच्चों की खुशी में ही मां बाप की खुशी होती है। माफ कर दो उसे। अभी बेटा इधर आओ, माफी मांगो अपनी माँ से। जी रुको, पहले मैं आरती की थाली तो ले आऊं। मोती मोती, भैया मुबारक। अरे घबराओ मत, वो तुम्हारे पांव छू रहा है। आओ माँ जी, थाली। ठीक है, अभी बेटा अपने पिताजी से भी आशीर्वाद ले लो। और क्या हो रहा था? इतने गुस्से में क्यों बैठे? वो आपके पिताजी हैं। आपने हमसे यही कहा था ना? अरे वो मेरे डैडी हैं। तो वो तस्वीर जिनका हमने आशीर्वाद दिया था, वो कौन है? रिद्धिमा रिलैक्स करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कौन हूँ मैं अभी और क्या हूँ? हमने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? जीवन के कैसे हैं ये रंग,
क्या हुआ आशा, तुम शादी से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अविनाश मेरा इकलौता बेटा है ना, लेकिन रिधिमा को तो मैं कुछ ही दिनों से जानती हूँ। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसके माँ बाप नहीं है और उसका एक ही भाई है पंकज, बस। अरे यार क्या लिख रही हो डायरी में? यार कभी कभी मुझे पता क्या लगता है, तुम मुझसे ज्यादा प्यार इस डायरी से करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना, मैं आपको समझाती हूँ। हर औरत के लिए एक राजदार सहेली होती है, और मेरी राजदार सहेली ये डायरी है। अच्छा। और आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए और अविनाश के लिए बहुत कुछ किया है। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अरे मैंने तो जायदाद के लिए किया है। अच्छा तो जायदाद ले लो, ले लो बाबा, जायदाद जमीन सब कुछ ले लो बस। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम मानती नहीं हो। यकीन कर लिया और अभी लेट हो गया, सो जाइए, समझे आप, चलिए सोते हैं। रिधिमा वो मेरे डैड जैसे हैं, उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो सौतेले हैं। हेलो 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 रिधिमा, सिग्नल बाहर मिलेगा। हेलो 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 भाभी जी, दूध। थैंक यू। मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, नींद भी आ रही है, आराम कर लो।
मॉम चले? हाँ बेटा चल। डैड मैं और मॉम फैक्ट्री जा रहे हैं, पर रिधिमा घर पर है आपका ख्याल रखने के लिए। ओके बेटा। नमस्ते। अरे पंकज, अरे पंकज बेटा आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। पंकज कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अरे पंकज बेटा, तुम्हें तो कल आना चाहिए था, इनकी शादी तो कल हो गई, और वैसे भी हमको भी कल ही पता चला है कि इनकी शादी हो गई है। सॉरी अंकल जी, मुझे पता चला था, लेकिन मैं अपनी बहन से थोड़ा नाराज था इसलिए नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, अभी तो नाराजगी दूर हो गई है ना, बैठो चाय वाय पियो। जी आंटी जी। एनीवेज आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू पंकज। पंकज आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ कि तुम रिधिमा के एक लौते भाई हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, और हमने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। पंकज डोंट वरी, एंड वन मोर थिंग, आज तुम यही रुकोगे, मैं और मॉम फैक्ट्री जा रहे हैं कुछ देर के लिए, वो कुछ वर्कर्स का इशू खड़ा हो गया, बट यू आर नॉट गोइंग एनीवे, ओके? अरे नहीं नहीं अविनाश, मुझे भी बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। पंकज एज यू विश, पर फिर भी मैं चाहता था कि तुम यही रुको, बट एनीवे रिधिमा प्लीज पंकज का अच्छे से ध्यान रखना, ओके? चलिए माँ। हाँ चलो। डैड हम चलते हैं। ओके बेटा। बेटा तुम आई हो क्या पियोगे? तुम चाय पियोगे? बनाऊं मैं? हाँ हाँ प्लीज। ठीक है बैठ जाओ। अरे बहू मोती कहाँ है? पता नहीं, उसके घर से कोई फोन आया था कि उसके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसे तुरंत जाना पड़ा, लेकिन उसने कहा कि वहां पहुंच के वो फोन करेगा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, हम ही उससे कहते रहते थे कि गाँव जाओ गाँव जाओ, और कभी नहीं जाता था। हाँ वहाँ अजीब तो है, इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वाकई में उसे कोई जरूरी काम आ गया। बहुत रो रहा था, मैंने उसे पूछा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जाते वक्त मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। बहू तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। अविनाश एक काम करते हैं, जब तक मोती नहीं आया था ना, तू उसे नौकर का इंतजाम कर लेते हैं, ताकि बहू के ऊपर अचानक काम का बोझ ना पड़ जाए। नहीं नहीं पापा जी, मैं संभालूंगी, मैंने अपना पूरा घर संभाला है, मैं संभालूंगी। अरे माँ क्या हुआ, खाना तो खा लो। बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑफिस गई थी ना तो थोड़ा थक गई हूँ, मैं जाके आराम करती हूँ। आज बहुत थक गया मैं। ये लीजिए जूस। हे थैंक यू, जूस ही चाहिए था यार मुझे। थैंक्स। अच्छा ये तुम पियो ना। पी ले। पियो तुम भी पियो ना। हाँ। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए, आप सो जाइए। हेलो। Thank you.
रिधिमा मुझे नींद आ रही है और किसी थकान हो रही है, तो मैं रूम पे जाके सोता हूँ। चली गई। हेलो, अभी ने मुझे जो अंगूठी दी थी वो गायब हो गई, पत्नी कहाँ चली गई है? अभी वो अच्छा, अब अविनाश से सीधे अभी हो गया। हम क्या बोल रहे हो और तुम क्या बोल रहे हो, बकवास बातें मत करो। तो और क्या कहूंगा, जब तुम्हारा फोकस मेन प्लान से हटके ऐसे बेफिजूल चीजों में जाएगा। एक तो बिना वजह डरना छोड़ दो, और कोई पूछे तो बोल देना कहीं रख के भूल गई। माँ, जीते रहो बेटा। बेटा मोती की कोई खबर मिली? माँ मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन अनरिचेबल जा रहा है, तो आई डोंट नो। पता नहीं, ऐसे कभी कर तो। अरे पंकज अचानक आओ ना बेटा। नमस्ते आंटी जी। हाय अविनाश। वाह क्या सरप्राइज है। रिधिमा देखो कौन आया है। पंकज कैसे हो तुम, अचानक से कैसे आना हुआ? हाँ वो एक्चुअली उस दिन जिस मीटिंग के लिए आया था मैं, वो सक्सेसफुल हो गई है। क्या बात है। और मेरा प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है यहीं लखनऊ में, तो होटल बुक कर लिया है, सोचा इससे मिलता जाऊँ। कंग्रेचुलेशन। अच्छा मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, एक काम करो तुम दोनों बैठो नाश्ता पानी करो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुमसे कुछ दिनों बाद ही मिलूंगा। ठीक है। एंड मॉम डैड? बेटा वो दवाई लेके सो रहे। रिधिमा अगर उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो प्लीज हाँ देख लेना। अच्छा बेटा तुम जरा मुझे मंदिर छोड़ दो ना। हाँ श्योर मॉम कम। बाय बाय। इतना बेवकूफ है अविनाश, आज तक कुछ समझ ही नहीं पाया। ये भी समझ नहीं पाया कि एक्चुअल में तुम मेरी भैया ने। वैसे एक बात बोलूं, ये सब आपकी दी हुई दवाई का कमाल है। शादी मुबारक। और सुनो और सुहागरा वाली नौटंकी मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाए। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता उसे कुछ भी करके अपने से दूर रखना, तुझे धोखा देने की सोची भी ना तो समझ ले। वो सब तो ठीक है लेकिन तुम इस वक्त क्या क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा ना तो बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ और वही करना जैसे मैंने बताया। और हाँ पता है ना इसका क्या करना। वो मोती ने तो हमें पकड़ ही लिया था,
इसलिए तो उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भाभी जी, ये क्या कर रहे हैं? अरे मोती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अब क्या करें? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। शायद कोई बाहर है, मैं देख के आती हूँ, तुम यहीं रुको। यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? मतलब आप ठीक तो है ना? मुझे नीचे से आवाज़ें आई इसलिए मैं नीचे चली आई। मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? वैसे तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो। नहीं नहीं मामी जी, वो क्या ना कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दवाई लेने आई नीचे। सुनिए जी, मैं आती हूँ। पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों डर गई? आप बिना स्टिक कैसे चल रहे हैं? क्यों, क्या खेल तुम और तुम्हारा यारी खेल सकते हैं? पापा जी आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने किया है। प्लीज मुझे छोड़िए, मैं शोर मचाऊंगी। क्या शोर मचाओगी? कि मैंने तुम्हें छेड़ा है? यही बताऊंगी मैं सबको। कौन यकीन करेगा? और जब मैं तुम्हारी और तुम्हारे उस यार की अश्लील वीडियो दिखाऊंगा तब मेरा यकीन करेंगे तुम्हारा? पापा जी प्लीज मुझे छोड़िए, मैं आपकी बेटी की पत्नी, छोड़िए मुझे। ना अविनाश मेरा असली बेटा है और ना तुम मेरी बहू। छोड़िए मुझे। देखो पंकज है बाहर वाला, वो तो किसी ना किसी लड़की को पकड़ ही लेगा, तुम्हारा क्या होगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, तो फिर बाहर वाले को क्यों ढूंढना? पापा जी छोड़िए, मुझे छोड़िए। इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं। देखो एक बार हमारा काम हो जाए
फिर मैं उसे बताऊंगा। ये बताओ घर के पेपर्स का क्या हुआ? अभी तक पेपर्स मेरे हाथ नहीं लगे। मैंने कहा था ना कि अविनाश दो दिन के लिए बाहर गए। देखो तब तक तुम इस महेंद्र को फंसा के रखना, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। देखो जितनी जल्दी हो सके एक दो दिन के अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स उससे साइन करवा लो, उसके बाद मैं तुम्हें इन सारी मुसीबतों से मुक्त कर दूंगा। अब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे जीत के जश्न के बारे में सोचो, ठीक है? अरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम यहाँ? वो मैं बस निकल रहा था तो सोचा रिधिमा से मिल लूं। अच्छा लेकिन इतनी रात को, वैसे हमें जगा देना चाहिए था ना। अरे नहीं नहीं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ। आ गए आप? हाँ। कैसी रही मीटिंग? बहुत बढ़िया। आप बैठिए ना, मैं चाय लेके आती हूँ। श्योर। मॉम, मॉम। मॉम कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रही। मम्मी जी अपने फ्रेंड्स के साथ केदारनाथ यात्रा पे गई है। केदारनाथ? अचानक? ना मॉम की तबीयत ठीक रहती है ना डैड की, और वो बिना बताए कैसे जा सकती है? एक्चुअली उन्होंने आपकी शादी के लिए मन्नत मांगी थी तो उन्हें लगा ये बेस्ट मौका है जाने का, इसलिए। पर फिर भी अचानक बिना बताए वो कैसे जा सकती है? वो आपकी माँ है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, और वो अकेले थोड़ी गई है, उनके साथ लोग हैं ना। अरे रिधिमा पर डैड, डैड का ध्यान कौन रखेगा? अरे अभी बेटा, अरे अभी बेटा मेरा ध्यान रखने के लिए बहू है ना। आप चिंता मत कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। डैड मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, अरे मनीष आ भाई हो? हाँ हाँ परफेक्ट, दौड़ेगा। रिधिमा ये मनीष है, हमारे बचपन के दोस्त, बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी, और ये रिधिमा है तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। तो ये सरप्राइज है, शादी कर ली और बताया नहीं, पर ये शादी नहीं है, ये धोखा है। और बेटा बहुत सालों के बाद आए हो, क्या चल रहा है आजकल? बस अंकल आईपीएस क्लियर कर लिया था 5 साल पहले, उसके बाद अलाहाबाद पोस्टेड था, और अब एसएसपी हजरतगंज थाना लखनऊ यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब चाय पीजिए ना। आंटी कहाँ हैं? आंटी दिखाई नहीं दे रही। मनीष एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले ना ऑफिस के काम से बाहर गया था, मॉम पीछे से बिना बताए केदारनाथ की यात्रा पर चली गई। केदारनाथ? केदारनाथ के सारे रास्ते बंद है, कुछ रिपेयर वर्क चालू है वहाँ पर। तुम श्योर हो? Are you sure about it? मॉम ने यही कहा था। हाँ जी। कोई बात नहीं, आप कुछ और ट्राई करके देखें। मैं उन्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, एक बार और फोन ट्राई करके देखता। I
मनीष नंबर ऑन रीच है। कोई बात नहीं, कोई और प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। थैंक यू। हेलो, रिधिमा, 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 आई, क्या हुआ? नश, क्या हुआ? यार मॉम का कुछ पता नहीं चला। क्या? और मॉम की फ्रेंड का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मंदिर का कोई भी ग्रुप केदारनाथ यात्रा पर नहीं गया। I'm really worried यार, मॉम कहाँ है कुछ पता नहीं चला। अविनाश तुम घबराओ मत, तुम बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है यार रिधिमा। घबराओ मत, बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ अविनाश बेटा? पता नहीं डैड मॉम का। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ चली गई होगी आशा? अरे डैड आपको पता है ना, मॉम आज तक कभी बिना बताए कहीं नहीं गई है, और ऐसे अचानक। चलो थैंक यू। मॉम को इधर ढूंढेंगे। मैं अपने दोस्त मनीष को फोन करता हूं, इस वक्त वो हमारी मदद कर सकता है। हाय मनीष। हाँ मनीष, एक प्रॉब्लम है यार। एक्चुअली मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहाँ चली गई, और उनकी फ्रेंड का फोन भी आया था, उन्होंने कहा कि मंदिर का कोई भी ग्रुप केदारनाथ यात्रा पर नहीं गया है यार। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ओके प्लीज कम फास्ट। थैंक्स सर, बाय। यार मनीष बहुत टेंशन हो रही है, कुछ पता नहीं है मॉम का कहाँ गई है, और आज तक वो बिना बताए कभी नहीं गए इसे। और वो मोती। कौन मोती? वो हमारे घर का नौकर मोती, वो भी अचानक से अपने घर चला गया सिर्फ रिधिमा को बताकर कि कुछ इमरजेंसी है। ठीक है अविनाश, तुम एक काम करो, मुझे आंटी की और मोती की फोटोग्राफ दो, और हाँ मोती का एड्रेस भी चाहिए। मैंने तुम्हें भेज दिया। नमस्ते अंकल। ये कौन? ये पंकज है, रिधिमा के भाई, और ये मनीष है, हमारे बचपन के दोस्त हैं पुलिस में। हेलो। हाय। वो मुझे रिधिमा को कुछ देना था, सोचा देता हुआ चले जाओ। हाँ प्लीज सर। लेकिन आप लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं, सब ठीक तो है? असली बात ये है, कोई भी तुमसे मोती के बारे में पूछे तो अपना मुंह मत खोलना। अंगूठी यहाँ, और एक कपड़ा ऐसे क्यों मिट्टी में दबा?
तुम्हें किसी पे शक है? नहीं मनीष। तुम एक काम करो, तुम ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। अविनाश, मैं मार्केट जा रही हूँ। पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेडिसिन्स लेने जाऊँ। ठीक है। और हाँ, आते आते पंकज को भी मिलते आऊंगी, आया हुआ है ना इसलिए। ठीक है। बाय बाय। अविनाश। हाँ मनीष, तुझे याद है कल रिधिमा का भाई घर आया था, उसने रिधिमा को एक पैकेट दिया था यार, उस पैकेट में कुछ टैबलेट्स है, और मैंने जब उन टैबलेट्स के बारे में नेट पे सर्च किया तो टैबलेट स्लीपिंग पिल निकला, और अक्सर ना मुझे कुछ दिनों से बहुत जल्दी नींद आ रही है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, यहाँ से निकल कर सीधे तुम्हारे पास घर पर आऊँगा। ओके, थैंक यू। मनीष, मुझे पूरे यकीन है कि मॉम और मोती के गायब होने में जरूर इन दोनों का। क्या सोच रहे हो तुम कि मैं अभी तक सोया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे नींद की गोलियां देते थे, इसलिए मैंने आज जूस का ग्लास पी लिया। और सोने का नाम रखे ताकि मैं सच जान सकूं। क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मनीष, ले जॉइन दो। और प्लीज, मां को ढूंढने मेरी मदद। अविनाश, आंटी का फोन ट्रेस हो गया। साइबर क्राइम यूनिट को उनके व्हाट्सएप पे लास्ट एक वॉइस नोट मिला है। और वो वॉइस नोट आंटी ने तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से तुम्हें मिल नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में वॉइस नोट मुझे मिल जाएगा। अभी मैं ना तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। अच्छा सुनो, मेरा वॉइस नोट मिलते ही ना मुझे फोन करना। पता है अभी आज क्या हुआ? मैंने तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बीवी को बिस्तर पे देखा एक साथ। मन तो कर रहा है कि विश्वास ना करूं, लेकिन आंखों देखी कि ऊपर विश्वास कैसे ना करूं मैं। अभी ये वॉइस नोट मिलते ही ना मुझे फोन करना, ठीक है?
बोल मेरी माँ कहाँ है? अविनाश मुझे सच में नहीं पता अशका है, सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। देख बता दे मेरी माँ कहाँ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जवाब दो। हेलो व्हाट? क्या हुआ मनीष? अविनाश मंदिर के पास आंटी की लाश मिली है। रिधिमा और पंकज ने मौत की